गाइस ये कर रही है मेरे मेकअप, कोई रील बनाना है इसको मेरे पे। गाइस आपने वो रील देख लिया होगा जिस रील के लिए ये मेकअप हो रहा है। तो ये मेरा जे ने किया था मेकअप, मुझे कह रही है कितनी मेहनत कर रही है बेचारी, बैक पेन है इसका फिर भी मेरे मेकअप कर रही है। और मैं थक गया बैठा बैठा, मैं खामो खामी थक गया। मैं तो फिर से थक गया। चल ठीक है, अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया, बहुत कुछ रहा है। तो चल फोन अरे रखा बाप तू। रे, अब पता नहीं कितना कुछ रह गया यार। रील में आप देख चुके होंगे, देखो मेरा कितना, मेरे को कितने घंटों तक बैठा के रखा था इसने। अभी बहुत काम है, लिपस्टिक भी लगाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत काम है। माय चल बंद गॉड, करिए। बाय बाय। गाइस ये देख, मुझे कब से चिढ़ाई जा रहा थी, ऐसे ऐसे करी जा रहा कब से। लव यू प्लीज। अब तो मैं टूटा हो गया। क्या मैंने हाल कर दिया तूने मेरा मैंने यार। उसको कहा, मैंने कहा बैग साइड पे कर, ये मेरा मेकअप वाला बैग, उसमें ज्वेलरी है और बहुत सारा सामान है, खजाना है मेरा, गर्ल्स का खजाना। मुझे इतना हंसाई जरा क्या यार। हाल करते, मुझे अपने खुद का पहचान है। मैं बाथरूम गया, मैं कह रहा ये कौन है। ये बाथरूम क्या कदा, अरे बाप रे ये कौन है। मैंने कहा कौन, कहते मुझे लगा कोई बैठा। बाप रे, बहुत ही क्यूट अब जल्दी कर यार, लगा। मुझे बहुत भारी लग रहा है, बहुत भारी भरकम लग रहा है फेस। नहीं जल्दी तो कर, एक्टिंग कैसे कर रहा भाभी थोड़ी देर पहले। भाभी तो ऐसे कर रहा नाजुक ये वाला। लिपस्टिक लगा के। अरे नेल पॉलिश, ओह गॉड लवी, ओह शिट लवी, ओह यो 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 यो। मेरी कॉपी कर रहा है मेरा कवि। ओए भगवान, सुख जा जल्दी सुख जा। बस एक बात बोलूं, तू बड़ी खूबसूरत है। मैंने काला टिक्का लगाया है तुम्हारी नजर में जे, देखूंगी। आई लव यू जे। आई लव यू लवी। चल और चल ना जल्दी खत्म कर सिस्टम अपना यार। चल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोग सब कैसे हो। अभी बज रहे हैं 11 और लवी कर रहा है काम। मैं बैठी हूँ मोंटी, सिम्बा और टाइगर के साथ बाहर बालकनी पे। हम चारों विटामिन डी ले रहे हैं, मतलब धूप से, ठीक है। और लवी कर रहा है काम एंड मैंने सोचा है चाय बना दूँ। और फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ क्या खाने में। चलो वो तो बाद में डिसाइड हो ही जाएगा जब मैं जाऊँगी किचन का, देखूँगी सब्जी में क्या है क्या नहीं है, उसे पूछूँगी भी। धूप बहुत कड़कती आई है, 2 महीने बहुत मिस किया धूप को। तो मैं सोचती हूँ मैं क्या बनाऊँ, मैं किचन में जाके देखूँगी क्या बनाती हूँ मैं। और वैसे भी जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, इतने नखरे करता है ना सच्ची में, यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा ही नखरे हो गए इसके। मैं ना बर्दाश्त नहीं होता मुझे, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, वो नहीं खाना तो वो नहीं खाना। मुंबई में तो सब कुछ खा जाता चुप करके, उसको पता फिर गालियाँ पड़ेंगी। यहाँ पे ये ना फिर पता नहीं क्या, यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा जिद करता, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस ऐसे इरिटेट करता है मुझे। अभी इनको मंजे पे रख के मैं लंच बनाने गई थी नीचे, ये देखना सब कैसे। सिम्बा टाइगर मोंटी कैसे मस्त आराम से सो रहे हैं। तो गाइज मैंने अभी बनाया है जो बंद गोभी होता है कैबेज, वो आलू और मटर मिक्स वेज सबके लिए। और मैंने अपने लिए बीन्स बनाया है और दाल और राइस, जीरा वाला राइस लंच के लिए। तो फिर जब लवी फ्री हो जाएगा तो हम लंच करेंगे। तो अभी बज रहे 1, तो अभी कुछ 5-10 मिनट में लवी फ्री हो जाएगा तो फिर हम साथ में लंच करेंगे। लंच करके मैं नहाई नहीं हूँ, वो भी नहाया नहीं है, तो मुझे बहुत सारे कपड़े भी थे धोने वाले, तो हम डाल देंगे बाद में मशीन में जब फ्री हो जाएंगे। क्योंकि मशीन वाला का जो यूनिट है वो ख़राब हो चुका है, मतलब फ्यूज़ हो गया, तो फिर हम एक्सटेंशन बोर्ड से ही कर रहे हैं। बस वो काम है और 2-3 और काम है। और चलिए जी मैं देखती हूँ, अभी फ्री हो जाएगा तो हम करेंगे लंच। गाइस नहा के आया है ये, अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी ये नहा के आया है। देखना किसका लोअर पहन के घूम रहा है, अपनी मम्मी का। इसमें पहनना छोड़ दे, पर मैंने पहने बहुत लूज है, नहीं यहाँ से बहुत लूज है। मम्मी को ही तो हमने मुंबई से लेके दिए थे ना, लेकिन पहन ही नहीं रही, पहन नहीं रही थी, इसने छीन लिया। गाइस छीना नहीं मैंने, ये मेरे से भी बुली करता, ये सबको बुली करता, जो ये जिससे प्यार। अरे मुंह तो दिखा दे बे। हाँ अच्छा, ऐसा कैसा मुंह था ये, कौन सा मुंह। बहुत अच्छा मुंह है ना, जो दिखा दू
चुप कर तू, कुछ भी बोलता है। हेलो गाइस, क्रीम लगा लो, क्रीम लगा लो। चाय पी के फिर से काम पे बैठूंगा। ठीक है, मैं गाइस लेट ही हूँ। तुमने खाना बनाया, तुमने लंच बनाया, डिनर बना के खाया नहीं इसने गाइस, इसने नहीं खाया। चपाती शाम को बनाएगी लेकिन डिनर सब्जी बना के रखती इसने, लेकिन गाइस इसने नहीं खाया। मैंने ब्रेकफास्ट किया था, भूख ही नहीं लगती इसको। थोड़ा बोलो कि प्लीज खाना खाए, आजकल कुछ नहीं खाना खा रहा इसने, सुबह भी कुछ नहीं खाया, एक ही परांठा खाया। कहते करने के लिए पैदा हुई है क्या? कैमरे पे देख तू, तेरे को देखूंगा मैं, नहीं तो कैमरे पे मैं तेरे को देखूंगा। कुछ भी बोल रहा है गाइस, ये खाना नहीं खाता, प्लीज इसको समझाओ थोड़ा सा। खाना मैं नहीं खाता, मैं फिर कमजोरा होता, पतलू होता, मैं खाना खाता हूँ मैं। हाँ, जिस दिन साग बनी तो खा लेता है गाइस, जब वो पकौड़े की सब्जी बनती तो भी खाता है, लेकिन मेरे हाथ का नहीं खाता। मैं मत बोल, तू ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तू? मैं अपनी फैमिली को शिकायत कर रही हूँ। तुम्हारे क्या कहते उसको, मदर इन लॉ नहीं, ससुराल वाले? हाँ, तुम्हारे ससुराल वालों को शिकायत कर रही हूँ मैं। हाँ तो बीच में मेरे भी है ना, उनका मेरा साइड भी लेंगे यार। जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा खाने के लिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी जस्ट सच्ची में भूख नहीं है। ओके, अभी मैं चाय पीऊंगा, शायद चाय के साथ परांठा जरूर खाऊंगा एक। हाँ, जो सुबह नहीं खाया पड़ा हुआ है गाइस, गार्लिक परांठा भाभी बनाया था इस वो नमक वाला है। हाँ, वो खा लूंगा। ठीक, मेरा तो वैसे भी पीलो रहता है गाइस, मैं क्या ही करूँ। अभी अभी टिक्की कर ले लो, अब खा लेगा ना, चल निकल यहाँ से। चटोरा हो गया मैं यहाँ पे आके। और गाइस मैं यहाँ अभी लेटी हूँ, डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा रेस्ट बोला है क्योंकि बैक में पेन होता है मुझे, तो इस वजह से मैं लेटी हूँ और चाय बना के लाओ। पता है धूप भी चली गई, धूप चली गई, ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अंदर आ गई थी, तो खाना वाना खा लिया मैंने, तो खा लिया। मैं इसको शिकायत करते रहता कि मैं खाना नहीं खाती है, मैं खाना खा लिया मैंने। और गाइस आई होप आप लोगों को वो रील पसंद आया, आया क्यों नहीं होगा। वो पूरा वो दिन, संडे वाले दिन हमने पूरी मेहनत की थी, हम गए थे शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत शॉपिंग का जो है, जो हमारा यू नो कॉस्ट्यूम ही लगा लो, कॉस्ट्यूम वो रह गया है टेलर अंकल के पास, और जो आपने देखा बाकी का सामान हम लेके आए, जो आपने लवी का यू नो रील देखा, आई नो आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत मेहनत लगी उसको, उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो सॉन्ग किया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि यू नो मैंने उसको बोला, मैंने कहा लवी देखो बहुत सारे हैं यू नो टॉम बॉयज जो खुल के जीना चाहते हैं, एंड हर कोई, बहुत आप लोग हमें बोलते हो कि हम यू नो यू ऑल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अस, तो मैंने ही लवी को बोला कि तुम ये गाना ज़रूर करना और इस तरह से करना, क्योंकि मुझे याद आया था, मुझे रूबी रोज़ बहुत पसंद है, आई लाइक रूबी रोज़, रूबी रोज़ का सबसे पहला ये सॉन्ग था टॉम बॉयज के लिए, और उसने ये यू नो वीडियो बनाया था अपने लिए एक्चुअली, और लोगों के लिए और बहुत सारे टॉम बॉयज़ के लिए ये वीडियो बनाया था, और मुझे वो याद आया था, तो मैंने कहा लवी वो ज़रूर करना। लवी ने बहुत पहले बोला नहीं, बट ही वॉज लाइक, लवी ने बाद में हाँ कर दिया जब मैंने उसको वो वीडियो दिखाया, एंड आई वॉज लाइक दिस आई वॉन्टेड। ये रील आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आई थिंक इट्स इज अ काइंड ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, सो जरूर शेयर करना, जरूर लाइक करना। क्या बोल रहा है गाइस, ये मेरे को ना फोर्स कर रहा है, मैंने खाया, मैंने लंच कर लिया फिर भी फोर्स कर रहा है। गुगु पुगु नहीं खाना, वन बाइट, वन बाइट इनको सब। सॉरी, खाना खाया हुआ ना मैंने, तेरी स्टमक फुल है बक्का, हाची तू कटी है मत कर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग यार? हम दोनों अच्छे हैं, पर मुझे ना आप लोगों से बात करनी थी, मैंने सोचा चल मैं आज एंड कर देता हूँ ब्लॉग का। एंड करने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात कर रहा कि जो रील्स आप देख चुके हो, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं उसमें, थैंक यू सो मच। और वो रील्स मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे यू नो बहुत सारे ऐसे टॉम बॉयज हैं, ऐसे दुनिया में भरे पड़े हैं यार, जिनको बहुत सारी मजबूरियां हैं, घर से, लोगों से, या बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं कि उनकी दिल की इच्छा है वो नहीं जाहिर कर सकते, या
उनकी आत्मा की आवाज है वो नहीं सामने ला सकते, वो घुट घुट के जी रहे हैं। बहुत सारे टॉम बॉयज हैं ऐसे, इनको अंदर से तो वो लड़के हैं लेकिन दुनिया के सामने उनको लड़की बन के रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो दुनिया वाले देखना ही उनको उसी रूप में चाहते हैं कि जिस रूप में इन्होंने दुनिया पसंद कर रही है, उनको उसी रूप में रहना पड़ रहा है। मैंने उसी वजह से वो रील बनाया है कि अपने मन की इच्छा को मत मारो, अपने मन अपनी आत्मा की आवाज को मत मारो। कोई भी नहीं आएगा हमें पूछने कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो। तो जो दिल है, जो आत्मा की आवाज है, उसको सुनो और आगे आपकी जैसा आपका मन है वैसा जियो यार। मुझे नहीं पता मैं कैसे शब्द कहूँ वो जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो रील्स जो मैंने बनाई है उसका मतलब ही ये है कि जो आपका दिल, जो आपकी आत्मा चाहती है वैसे ही करो। आप दुनिया के लिए नहीं मत जियो, अपने लिए जियो। चाहे आप लड़के के रूप में जीना चाहते हो, चाहे आप लड़की के रूप में जीना चाहते हो, जैसा भी आपका दिल है वैसे जियो यार, और खुल के जियो। अपने मन की इच्छाओं को मारने का कोई मतलब नहीं है। कहते लाइफ एक ही बार मिलती है, और ये तो दुनिया वाले बोलते हैं कि अगला जन्म ये वो, ये कहने वाली बातें हैं। ठीक है, सुनने में अच्छी जरूर लगती है, लेकिन सच किसको पता कि सच भी है या नहीं है। ये लाइफ एक ही बार मिलती है हमें, तो जो आपकी आत्मा कहती है जैसा आपको जीना है वैसे जियो। बस किसी का दिल मत दुखाओ, मैं यही कहूंगा, और हमेशा अच्छे बन के रहो। एक्चुअली लवी के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, आप समझ सकते हो। बहुत ज्यादा नेल पॉलिश लगाना, ये सब लगाना, लिपस्टिक और ये सब, बहुत ही ज्यादा एकदम डिटेल से ये रील बनाया था। आप देख सकते हो वो नेकलेस भी गर्लिश वाला मेरा है, मैंने इसका दिया वो पहनने के लिए। मतलब हर चीज, एक मतलब किसी चीज का कमी ना हो, तो मतलब हर चीज इसको पहनना बहुत काम पर था और नर्वस हो रहा था, और वैसे तो मैं इसको हंसा ही रही थी, ये भी मुझे हंसा रहा था। मेकअप सारा इसने किया था मेरा, इसने किया वो तो डाल ही दिया रील में, बट मैं तुम्हें ये कह रही हूँ जिस हिसाब से तो मुझे हंसा रहा, मेरी एक्टिंग कर रहा था जैसे मैं करती हूँ ऐसे कर करके मेरी लवी वॉज ट्राइंग टू काम हिज सेल्फ डाउन। तो बाकी आई एम वेरी प्राउड, जो इंसान को मेकअप लिपस्टिक ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने मेरे लिए, हम सब के लिए एक मैसेज देना चाहा, एक मैसेज देने के लिए उसने बहुत बड़ा काम, आई फील बहुत बड़ा काम किया। बिकॉज मैं लवी को अब से नहीं, मैं बचपन से जानती हूँ, जब से ये राहुल था, राहुल बोल लिया हूँ जब ये था, मैं तब से जानती हूँ मैं इसको। तो ये सब फ्रॉक फ्रूक ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरे लिए, और हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि इसने हमारे लिए इतना अपने आप को ऐसे ऐसे रूप में दिखाया। सो आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ यू। और जब मैंने वो रील देखा, मैंने एक बार नहीं, मैंने हजार बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लवी को वो रील में देखकर। ठीक है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड एंड वेल डन, गॉड ब्लेस यू। और आप लोगों को भी गॉड ब्लेस यू ऑल। जब हम वो रील, ये जब रील बनाने वाले थे तो डिस्कस कर रहे थे हम दोनों के कैसे बनेगा और कैसे क्या करना है। तो जो दो रियल है जिसने ये किया है, जिससे हम इंस्पायर्ड थे, वो सबसे पहले मैंने बहुत साल पहले रूबी रोज ने किया था, ये रूबी रोज का ही गाना है और रूबी रोज ने ही किया था, एंड शी इज एन हॉलीवुड एक्टर। मैंने ये उनका ये गाना देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे इंस्टेंट याद आया और मैंने लवी को बोला यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। उनका मैंने वो रील में वो मेंशन है, वो सॉन्ग का नाम ऑलरेडी मेंशन है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली उस सॉन्ग में उन्होंने सिगरेट उठाया था ऐसे to get relaxed and to have yourself like peaceful. तो अब मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती इसको सिगरेट पे, ठीक है। और वहां पे फिर कोई वहां पे डाल देता प्रमोटिंग सिगरेट और ये सब, और तो हमने सोचा, मैंने कहा तू ऐसे कर कोका कोला ले ले। उसने कहा नहीं, आई थिंक वी शुड टेक माउंटेन ड्यू एंड वी शुड टेक, हम लोगों को टैग करना चाहिए वहां पे के डर के आगे जीते। तो आई लव द आइडिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये लवी का आइडिया था। मैंने तो कोका कोला बोला था, आई थिंक थम्सअप बोला, नहीं कोका कोला बोला था मैंने। मैंने कहा तू दारू मत उठा और स्मोक वाला मत करना, नहीं तो लोग ऐसी कमेंट मारते रहेंगे कि प्रमोटिंग सिगरेट एंड एल्कोहल। सो वो कोल्ड ड्रिंक वाला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड बस आप लोगों के साथ हमने ये बातें शेयर कर ली। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने इतना प्यार दिया वो रील को, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग, रियली थैंक्स अ लॉट अप्रिशिएटिंग अस, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।
चलो बस गाइस, अपने भाई और भाभी को शकरबरा करते रहो, ठीक है? लव यू ऑल एंड टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड. हमने बोला था सरप्राइज आते रहेंगे, धीरे धीरे ही सही, बट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.